महाराजा जयपाला देव, आप में से बहुत लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि ये हमें हमारे किताबों में मिले ही नहीं। महाराजा जयपाला देव हिंदू शाही किंगडम के बहुत पावरफुल राजा थे। उनको एक टाइटल ही मिली थी हिंदू शाही ब्राह्मण का, पर हमारे भारत के इतिहास से उनका नाम ही मिटा दिया गया है। उनका राज्य फैला हुआ था सरहिंद से लमभंग तक और कश्मीर से मुल्तान तक, मतलब आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक उनका राज्य फैला हुआ था। महाराजा जयपाला देव ने खतरे को भांपते हुए ना केवल यामिनी तुर्क के खिलाफ लड़ा, बल्कि उनके गढ़ जो कि गजनी था उस पर भी दो बार इन्वेड किया। तुर्कों के आगमन से बहुत सारे चेंजेस आया था गजनी में। तुर्कों के अंडर में छापे और ज़्यादा घातक हो गए थे। तुर्कों ने हिंदू शाही फिर बाद में नॉर्थ इंडिया में भी रेड मारना शुरू कर दिया था। तुर्कों का यह लहर का सामना करने वाले पहले राजा थे राजा जयपाल देव, जिन्होंने अपने राज्य का रक्षा करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ा। उनको द सीवियर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी बोला जाता है। राजा जयपाल देव ने गजनी पर 986 में आक्रमण किया था। ये लड़ाई कई दिन तक चली और हिंदू सेना बहुत स्ट्रांगली तुर्कों को फेस भी कर रहे थे। अल उतबी के अनुसार गजनी के टर्की सेना में मोहम्मद गजनी भी शामिल थे और उनको बहुत निराशा भी मिल रही थी, लेकिन प्रकृति ने जयपाल देव का साथ नहीं दिया। एक बर्फीली तूफान ने उस लड़ाई का पूरा परिणाम ही बदल कर रख दिया। तूफान के कारण जयपाल देव और उनकी सेना जो अपने मातृभूमि से बहुत दूर थे, वो लोग एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे रहने के लिए। अगर ये बर्फानी तूफान नहीं होती तो तुर्कों की हार निश्चित थी। गजनी के रूलर सुबुक्तगिन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने किंग जयपाल देव की टेरिटरी लमघन में छापा मारना शुरू कर दिया। राजा जयपाल देव ने भी डिसाइड किया कि वो अपने पड़ोसी हिंदू राज्यों की मदद लेंगे और वापस लड़ेंगे तुर्कों से। चौहान, चंडेलास और तोमर ने संगठित सेना भेजा राजा जयपाल की मदद के लिए, पर राजा जयपाल और उनकी सेना युद्ध हार गई और तुर्कों ने कब्जा कर लिया लमघन पर। इस युद्ध के बाद महमूद गजनी शासक बने गजनी के और उन्होंने डिसाइड किया पेशावर को पर कब्जा करने का, जो कि पाकिस्तान में है और उस समय वो राजा जयपाल देव के राज्य में था। पर मजबूत सेना ना होने के कारण राजा जयपाल देव दोबारा हार गए और उनको बंदी बना लिया गया। पर उनके बेटे आनंद पाला ने 50 वार एलिफेंट देकर अपने पिता को छुड़वा लिया और अपने राज्य वापस ले आए। वापस जाने के बाद राजा जयपाल देव को बहुत अपमानित अनुभव हुआ कि वो ऐसे इंसान से हार गए जिसने कभी हिंदुओं का रिस्पेक्ट नहीं किया और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा भी तोड़ी है। ये चीज़ वो सह नहीं पाए और खुद की चिता सजाई और जला लिया खुद को। उनके बाद उनके राज्य संभाला उनके बेटे आनंद पाला ने। मेरे ओपिनियन से जयपाल देव कभी भी कायर राजा नहीं थे, वरना एक बार हारने के बाद वो कभी वापस नहीं लड़ते। मेरे मन में उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट बनी रहेगी। अगर उनके जैसा आत्मसम्मान हमारे बाकी राजा भी रखते तो शायद हम कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों के गुलाम नहीं होते, जैसे कि मुगल और अंग्रेज, जिनकी अधीनता स्वीकार करके हमारे राजाओं ने उनको अनुमति दे दी कि वो हमारा इतिहास बदल के हमें कायर और नीच दिखाएं। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कृपया कर हमें कॉमेंट में बताएं।